बाबूजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, कल तुम्हारे दिन में लड़की देखने जा रहा हूँ, इसलिए मैं सोचा। बाबूजी, माइल, ये अचानक से लड़की देखने के बाद कहाँ से आ गई? अरे, तुम दिन भर इधर घूमते रहते, कुछ तो करते नहीं हो, कुछ करने के लिए सोचो। आजकल ये हम लोगों की बात को मान कहाँ रहा है? इसकी शादी हो जाएगी जब ना, और पत्नी घर पे आ जाएगी तो पत्नी की बात को जरूर मानेगा ये। माई बाबूजी, देखिए आप दोनों को जो अच्छा है। ए कबीर के दोस्त, इधर आओ। ठीक है दादी, कल मैं कबीर के लिए लड़की देखने जा रहा हूँ, तुम बोलो मेरे साथ चलना। ठीक है, और कबीर दोस्त संभालो और समझाओ। जी चाचा जी, और जाओ। जी जी, ठीक है। जगदीश जी, शुक्ला जी आपकी इतनी तारीफ करते थे, इतनी तारीफ करते थे, और आपसे इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी ये नहीं सोचा। सपना जी का बड़प्पन है। अच्छा, बातें बहुत हो गई, दीजिए ना। दीजिए जी, क्या कर रही है? क्या आएगी तो आप खुद ही पूछ लीजिएगा। क्या पवन बिटिया, इधर आना। लीजिए बिटिया, आ गई। आपको जो पूछना हो इससे पूछ लीजिए। आपका क्या नाम है बिटिया? मेरा नाम प्रीति है। अभी क्या पढ़ रही हो? बालों की परीक्षा दी। अच्छा, ठीक है बिटिया, जा सकती हूँ। सर जगदीश जी, जी कैसी लगी हमारी बिटिया? आपकी बिटिया बहुत अच्छी। पर हमें आप दो तीन दिन का खाने दीजिए, घर में विचार विमर्श करेंगे फिर आप। जी जी बिल्कुल, घर जाकर इत्मीनान से सोच विचार को हमको बता दें। मलबीर, अब बता भी दे लड़की कैसी थी? भाई हम लोगों को लड़की तो बहुत अच्छी। उसने नाम बताया क्या अपना? हाँ नाम बताया ना उसने। क्या नाम है? प्रीति नाम बताया उसने। प्रीति बहुत प्यारा नाम है। ऐसा खुश हो रहे? ज़्यादा खुश मत हो, शायद लड़की चाचा जी को पसंद नहीं आई। क्या बात कर रहा है? सही कह रहा हूँ, बड़ा अजीब सा मुंह बना रहे पर मेरे बाबूजी। हाँ हाँ, चल चल चल, ठीक। आपने बताया नहीं कि लड़की कैसी लगी? मोटी और सादी है, कभी के साथ जोड़ी नहीं बनेगी। अरे क्या हुआ? तो आजकल खाते पीते घर की लड़कियां ऐसी ही होती हैं, और मैं तो यही चाहूंगी कि यदि कोई लड़की हमारे घर आती है तो हम लोगों का सेवा अच्छे से करे। अभी तक चाय नहीं आई? ला रही हूँ ना, इतना सिल्ला क्यों रहे हो? आपको पता है मेरे घर वाले जब आपको देखने गए थे पहली बार तो आकर क्या कह रहे थे पता है? अरे लड़का तो एकदम हीरा है, हीरा है, और पता है आप तो बिल्कुल निकले कोयला। तो कहीं कर लेना चाहिए था ना। अरे आप भी ना बहुत कमी निकालते रहते हैं, अपना तो देखते नहीं। ठीक है चाय लेके आओ। माँ खराब करके रख दिए है, मज में नहीं आता है। पूरी दुनिया की चिंता ना आपने कबीर भाई को ही है। सही कहा, मुझे भी लगता है कि अपने भाई को तो नेता होना चाहिए। ठीक। अरे यार तुम दोनों फिर चालू हो गए, तुम लोग के साथ में रहना भी बेकार है। चलो
खाली देख 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 सामने देख भाई की देखे जैसे हाँ देख देख कैसे बड़े ध्यान से देख रहा है चल 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 अरे चल चल लगता है चाचा को लड़की पसंद नहीं आई मगर उसने भाई को तो बहुत ज्यादा पसंद आई बाबूजी माई आप दोनों से मुझे कुछ कहना है ये लो इन्हें भी कुछ कहना है कहो ना क्या कहना है तुम्हें देखिए मैं शादी करूंगा तो सिर्फ प्रीति से वरना मैं किसी से नहीं करूंगा अरे तुम्हें क्या हो गया है कुछ पीपा के आए हो बाबूजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ये मेरा आखिरी फैसला है मैं तुम्हारे लिए अच्छी लड़की खोज के लाऊंगा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है मैं शादी सिर्फ प्रीति से करूंगा अब आप दोनों को क्या करना है देख अरे इसका क्या करना है क्या करना है जाइए और शादी की तारीख फाइनल करके आइए कुछ दिनों से देख रही हूँ आप मेरा पीछा कर रहे हैं कौन है आप और मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं नहीं नहीं मैं आपका पीछा कहाँ कर रहा हूँ देखिए सिखाइए मत जब किसी लड़की का कोई पीछा करता है ना उसे पता चल जाता है देखिए जब आपको पता चल ही गया है तो मैं आपको बता दूँ मेरा नाम कबीर है कुछ दिन पहले मेरे बाबू जी आपको देखने गए थे लेकिन बाबू जी को आप पसंद नहीं फिर एक दिन मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा था तो मैंने आपको देखा आप मुझे सुनिए शादी करूंगा तो सिर्फ आपसे तुम्हें प्रीति से शादी करनी थी ना तो मैं आगामी 15 तारीख को तुम दोनों का शादी फाइनल कर दिया है
तुम अपनी माँ से मिलो। ठीक है बाबू। इतनी सुंदर तो है मेरी प्रीति, फिर पता नहीं बाबूजी को कैसे पसंद नहीं है। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है? बहुत सारे लोग मुझे मोटी सांवली बोल के मना कर दिए, पर आप उन सबसे अलग हैं। आप मेरा साथ कभी मत छोड़िएगा। कभी नहीं छोड़ूंगा। पता है मैं तो महिलाओं का हमेशा से सम्मान करता हूँ। मैं बाबूजी, माँ और अपने सभी दोस्तों को बोल दिया कि शादी करूंगा तो सिर्फ प्रीति से, ये तो किसी से नहीं कर दूंगा। मेरा जीवन ना थोड़ा अलग है, हमेशा साथ देना। चलो सो जाते हैं।